नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं जहांगीर, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कोल्ड फिल्म मिरर। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के हीरापुर थाना क्षेत्र में बंदूक बनाने की फैक्ट्री का पुलिस ने खुलासा किया है। हीरापुर पुलिस ने वार्ड संख्या 83 स्थित रहमत नगर के नया बस्ती इलाके में छापामारी कर 3 तैयार 7.65 mm पिस्तौल, 6 तैयार मैगजीन, 10 अधूरे हथियार, 17 अधूरी मैगजीन और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। साथ ही बंदूक बनाने की मशीन भी जब्त की गई है। जहां से गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ है, उस घर का मालिक जावेद हुसैन फरार बताया जाता है। जानकारी मिली है कि जावेद के घर पर पिछले 6 महीने से हथियार बनाए जा रहे थे। पुलिस के घटना की जांच शुरू कर दी है। हालांकि आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नर क्षेत्र में हथियार फैक्ट्रियों के खुलासे को लेकर लोगों में दहशत व्याप्त है। उधर पुलिस का कहना है कि उससे बड़ी कामयाबी मिली है। हालांकि दुर्गापुर पुलिस कमिश्नर क्षेत्र में इससे पहले भी न्यामतपुरा बीसरगढ़ में बंदूक बनाने की फैक्ट्रियां बरामद हुई है। डीसीपी वेस्ट अभिषेक मोदी ने कहा कि हीरापुर थाने को सूचना मिली थी कि जावेद के घर पर हथियार बनाने की फैक्ट्री चल रही है। बाद में पुलिस ने ऑपरेशन चलाया और 2 पुरुष मोहम्मद फिरोज और मोहम्मद तनवीर एवं 1 महिला फरजाना खातून को गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपी पुरुष मुंगेर के एवं महिला रहमतनगर निवासी बताई जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उक्त गन फैक्ट्री में मुंगेर के चार मिस्त्री काम कर रहे थे, जिसमें से 2 को पुलिस ने पकड़ा, 2 फरार हो गए हैं। सूत्रों के अनुसार उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, जहां यहां के निर्मित हथियारों का इस्तेमाल किया जाना था, यानी आज़ाद नगर से जो पिस्तौल बरामद हुए हैं उसे बनाने का ऑर्डर यूपी से मिला था। आज के ओसी हीरापुर खबर पे संगे संगे रेड करे छे, रेड करे एखाने जावेद करे एक लोग आछे, ओदेर बाड़ीते अस्त्र कारखाना एक खबर पावा गेछिलो, बाड़ीते रेड करे किछुटा आर्म्स रेडी करा जिनिसगुलो पावा गेछे। पुलिस एटा 2 जन के डिटेन करे छे और इन्वेस्टिगेशन एटा स्टार्ट होइछे, लीगल एक्शनटा निया होबे। এটা এটা অস্ত্র রেডি করা কিছুটা জিনিস পাওয়া গেছে, এটা কি ধরমে কি কাজ কি কাজ হচ্ছিল সেটা এখন ইনভেস্টিগেশন করে জানা যাবে। তো কি কি নাম যাদের ডিটেইন করা হচ্ছে এখন ওটা আমার কাছে। তো কি মনে করছেন এর পেছনে আরো বড় কিছু থাকলেও থাকতে পারে? পুলিশ ইনভেস্টিগেশন করছে। এদের মধ্যে কি মহিলা আছে একজন? এদের মধ্যে কি মহিলা আছে? মহিলা নেই, 2 জন ডিটেইন আছে। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ।